मेरे भैया की दारू वारू छूट चुकी है ना, एक भी एक वो पहली बार आए थे यहाँ, कुछ नहीं था। अच्छा। बहुत दारू पीते थे, मेरे घर में बहुत बुरी हालत थी। अच्छा। तो उनकी दारू छूट गई पहली बार में, अब मेरे घर में सब कुछ बड़ा ठीक से चल रहा है। और यहाँ आए थे उस दिन पी के आए थे। अच्छा, जब धाम आए थे तो शराब पी के आए थे। अच्छा। और यहाँ से गए तो बिल्कुल छोड़ के, बिल्कुल नहीं पीते भैया, 6 महीने हो गए। राक्षस बना था, बिल्कुल राक्षस बना मेरे घर में। अब तो भाई बहुत। अच्छा। और आप राम राम बन गए? अब तो जय श्री राम बन गए। मैम कहाँ से हैं? हम टूडला से। टूडला से? आगरा से। आगरा से टूडला से। क्या नाम है आपका? रिंकी। कब आए बागेश्वर धाम आप? आज ही आए थे और उस दिन पहले भी आए थे। कब से आ रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। क्या अर्जी लेके आए थे? कि मेरे घर में कुछ ऐसी परेशानी थी ना, मैं बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी पेट में दर्द था मेरे। हाँ। तो बहुत दिक्कत थी, तो मैं यहाँ के आई थी कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे घर में कुछ परेशानी थी पैसों वैसों की, वो भी इसके वजह से आई थी। मेरी घर पे कुछ बहुत ज़्यादा समस्या, मेरे भैया की जॉब लग जाए, और मैं भी अच्छे नंबर से पास हुई, मेरा भैया भी अच्छे नंबर से पास हुआ जब मैं पहली बार आई थी। और मेरी कोचिंग के बच्चे भी हुए थे, बड़े भैया की दारू भी छूट गई मेरे की। अच्छा, कोचिंग भी पढ़ाती हैं? पढ़ाती हूँ मैं कोचिंग, 10th क्लास तक पढ़ाती हूँ। कहाँ पर? नहीं, अपने गांव में पढ़ाती हूँ, मैं रहने वाली पचोगरा की हूँ वैसे तो। अच्छा। तो क्या क्या मनोकामनाएं पूरी हुई हैं आपकी? पहली बार में मेरी कोचिंग के बच्चे हुए थे, स्कूल जाना, वो स्कूल जाने लगी मैं पढ़ाने, और मेरे भैया पास हो गया अच्छे नंबर से। आपने ये कहा था कि बागेश्वर धाम से क्या कर, जो भैया पास हो जाएगा। हाँ, मैं जरूर, मैं हाँ आई थी, और मेरे भी अच्छे नंबर आए थे, मैं भी पास हुई थी। आपकी तो पहली बार में ही आपकी मनोकामना? हाँ, पहली बार में हो गई थी, दूसरी बार में मैं लेट आई थी ना, इस वजह से मेरी दिक्कत हो गई थी मेरे को। अच्छा। पर मैं हो गई ठीक। अच्छा। यहाँ आके बिल्कुल ठीक हो गई मैं। मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी? पेट में दर्द था मेरे, तो डॉक्टर्स को वगैरह को दिखाना चाहिए था? दिखाया था डॉक्टर को भी, उन्होंने बोला छाले हैं पेट में मेरे। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खाना नहीं खाई, पर 15 दिन हो गए, 15 दिन से खाना नहीं खाया मैंने। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? हाँ, कराया था, नॉर्मल था अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दवा ववा चलाई थी, फिर यहाँ पे मैंने ये बोला, मेरी भाभी लेके आई थी मुझे कि वहाँ बागेश्वर धाम लेके जाऊँगी, तो बागेश्वर धाम लेके आए थे, तो यहाँ के मैंने कुछ खाना 15 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने अपने स्टेशन पर खाना खाया था। मतलब दिक्कत भी नहीं थी, 15 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, यहाँ पे आए तो खाना खा ले। हाँ, खाने लगे। हाँ। सुना है धाम के बारे में, और क्या चमत्कार सुना है यहाँ के बारे में? बहुत कुछ चमत्कार हुए है ना। क्या मैम? मेरे भैया की दारू वारू छूट चुकी है ना, एक भी एक वो पहली बार आए थे यहाँ, कुछ नहीं था। अच्छा। उस टाइम आए थे? साल पहले? नहीं, 6 महीने पहले। 6 महीने? हाँ, 6 महीने पहले। हाँ। तो वो अर्जी लगा के गए थे कि उनकी दारू छूट गई? नहीं, घर पे अर्जी लगाई थी, घर पे अर्जी लगा के। घर में क्या किया था अर्जी के तौर पे? अर्जी पे एक नारियल लिया था और रेड कलर का कपड़ा लिया था, उसमें कुछ रखा था, 5 लौंग 11 रुपए रखे थे, 11 रुपए उसकी अर्जी लगाई थी। अच्छा। उसके बाद 8 दिन बाद ही हम यहाँ आ गए थे। अच्छा। तो हमने यहाँ प्रे की थी, हस्बैंड थे मेरे, बहुत दारू पीते थे, मेरे घर में बहुत बुरी हालत थी। अच्छा। तो उनकी दारू छूट गई पहली बार में, अब मेरे घर में सब कुछ बड़ा ठीक से चल रहा है। पहले आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? बहुत जगह दिखा ली मैं, राजस्थान वगैरह बहुत जगह घूम घूम के आई, लेकिन कहीं किसी से फायदा नहीं मिला। दवा वगैरह भी बहुत कराई, किसी से फायदा नहीं मिला। राजस्थान गई थी, गांव में भी बहुत दवा दिलवाई थी, आसपास के गांव जो भी बताते थे वहां पे भी दवा दिलवाई थी, ये किसी से फायदा नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ आई थी अर्जी लगाने, यूट्यूब पे देख के हम यहाँ आए थे, यूट्यूब पे देख के आ गए यहाँ, और आकर के यहाँ अर्जी लगाई थी। ठीक है। पहली बार में ही मेरे घर में इतनी सुख शांति, और दारू भी छूट गई। दारू छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं पीते, बिल्कुल लहसुन प्याज कुछ नहीं, बिल्कुल कोई नहीं खाता लहसुन प्याज, कुछ नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, कोई भी नहीं खाता लहसुन प्याज, सब लोगों ने छोड़ दिया, अपने आप ही छोड़ दी, किसी ने मना नहीं किया किसी से भी। तो जैसे आपने अर्जी लगाई तो दूसरे दिन से ही उन्होंने दारू पीना बंद कर? बिल्कुल उसी दिन से, यहाँ से गए उसी दिन से उन्होंने, और यहाँ आए थे उस दिन पी के आए थे। अच्छा, जब धाम आए थे तो शराब पी के आए थे? अच्छा। और यहाँ से गए तो बिल्कुल छोड़ के, बिल्कुल नहीं पीते भैया, 6 महीने हो गए बिल्कुल नहीं पीते हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पूजा पाठ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे, अब तो पूजा पाठ भी करने लगे हैं। डेली पूजा करते हैं? डेली पूजा, जब तक खाना नहीं खाते जब तक पूजा नहीं कर लेते। पहले ऐसे कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते थे, राक्षस बना था, बिल्कुल राक्षस बना मेरे घर में। अब तो भाई बहुत।
अच्छा, और आप राम राम बन गए? अब तो जय श्री राम बन गए भैया। और उन्होंने अब शराब वगैरह नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं। मैं कहता हूँ लहसुन प्याज भी मेरे बच्चे अभी कोई नहीं खाता, किसी ने मना नहीं किया। कुछ अच्छा मीट भी हम खाते थे, अब कुछ नहीं खाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। मतलब बागेश्वर धाम में आने से पहले राक्षस थे? राक्षस थे वो, बिल्कुल राम बन गए। गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी के बारे में बहुत कुछ देखा, गुरु जी के बारे में ये कहना चाहते हो बहुत अच्छे हैं, और उनके बारे में देख के जब भी हम आए थे यहाँ उनका चमत्कार देखा है। क्या चमत्कार सुना या देखा हो? सुना है, देखा है कि यही दारू भी छूट जाती है यहाँ आने से, और कोई पेट के दर्द कैंसर वाले भी कुछ सारी सारी बीमारियाँ यहाँ आके ठीक हो जाती हैं। आपका मतलब ये है कि अब शराब वगैरह कोई दिक्कत? बिल्कुल मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने और क्या मतलब और विश लिस्ट अब आप और मांगने शुरू कर दिया होगा भगवान से? जो कुछ भी भगवान देंगे बस। लेकिन अब आप खुश हैं? बस खुश हूँ। पहले आप हर जगह इसी चीज से खुश हैं? बस हमारे यहाँ ये कलेश खत्म हो गया। खत्म हो गया केवल दो बार में? बस एक ही बार में भैया, बस मैं तो अब आती हूँ यहाँ हर महीने दो महीने में, जो चक्कर लग जाए जब आ जाती हूँ, 15 दिन में लग जाए, महीने में लग जाए, दो महीने में लग जाए। शराब छूट? बस छूट गई भैया। तो बिल्कुल कहते हैं कि पीने को? नहीं 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 बिल्कुल राम बन गए। बिल्कुल राम बन गए भैया, खुश बहुत खुश हैं।